हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी पार्ट सेकंड में इम्यूनोलॉजी के अंदर ही एक दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है तरल प्रकार की एवं कोशिका माध्य प्रतिरक्षा की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। कोई विशिष्ट एंटीजन जब पोषक की देह के बाहर या भीतर उद्दीपन उत्पन्न करता है तथा पोषक इसके प्रति प्रतिक्रिया दर्शाता है, तो यह क्रिया प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और इम्यूनिटी रेस्पॉन्स कहलाती है। यह प्रतिक्रिया दो प्रकार से व्यक्त की जाती है। पहली है तरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, जिसको हम कहते हैं ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। इसे एंटीबॉडी मध्यवर्ती प्रतिक्रिया भी कहते हैं। दूसरी है कोशिकीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया, सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स। इसे कोशिका मध्यवर्ती प्रतिक्रिया भी कहते हैं। एक एंटीजेनिक उद्दीपन के ग्रहण किए जाने पर यह प्रतिक्रिया एक प्रकार की अथवा दोनों प्रकार की एक साथ भी प्रदर्शित की जाती है। इनमें एक प्रभावी व दूसरी कम प्रभावी एक दूसरे के विपरीत एकल प्रकार की हो सकती है, किंतु अधिकतर एक दूसरे के सहयोग के साथ साथ सक्रिय रूप से व्यक्त की जाती है। तरल प्रकार की प्रतिरक्षा या एंटीबॉडी मध्यवर्ती प्रतिक्रिया, एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, AMI, प्राथमिक तौर पर अधिकतर बाह्य कोशिकीय जीवाणुओं, रोगाणुओं, विषाणुओं आदि से सुरक्षा प्रदान करती है, जो श्वसन नलिका या आंत्र से प्रवेश कर संक्रमण उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं। कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा CMI कवक विषाणु, अंतः कोशिकीय जीवाणु जो रोग उत्पन्न करते हैं, कैंसर आदि से पोषक को सुरक्षा प्रदान करती है। नेक्स्ट है हमारा तरल प्रकार की प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। इसके बारे में हम देखेंगे तरल प्रकार की प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया। एंटीबॉडीज के उत्पन्न किए जाने की क्रिया को तीन पदों में विभक्त किया जाता है। पहला है एंटीजन का पोषक की देह में प्रवेश, वितरण, ऊतकों में भविष्य एवं उचित प्रतिरक्षी सक्षम कोशिका के साथ संयोजित होना। दूसरा है कोशिक द्वारा एंटीजन का संसाधन एवं एंटीबॉडी निर्माण क्रिया पर नियंत्रण। तीसरा इसमें है एंटीबॉडी का स्त्रवण ऊतक एवं देहिक तरल में वितरण तथा इसके प्रभाव। एंटीजन उद्दीपन के तुरंत बाद एक लैग अवस्था LAG लैग फेज आती है। इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र में कोई एंटीबॉडी दिखाई नहीं देती। दूसरी अवस्था LOG लॉग फेज कहलाती है, जिसमें एंटीबॉडी विस्तृत रूप से बनती हैं, वितरित होती हैं एवं एंटीजन के विरुद्ध क्रिया करती हैं। तृतीय अवस्था संतुलन अवस्था स्टेडी स्टेट कहलाती है। इसमें एंटीबॉडी संश्लेषण व अपचय के मध्य संतुलन होता है। चतुर्थ प्रावस्था पतन की प्रावस्था और फेज ऑफ डिक्लाइन होती है। इसमें अपचय की क्रिया में वृद्धि होती है तथा एंटीबॉडी का उत्पादन घटने लगता है। एंटीजेनिक उद्दीपन से उत्पन्न एंटीबॉडी प्रतिक्रिया दो प्रकार की होती है। पहली प्राथमिक प्रतिक्रिया और प्राइमरी रेस्पॉन्स, जो उद्दीपन प्राप्त होते ही प्रदर्शित होती है। यह धीमी, शिथिल एवं अल्पकालिक होती है। इसमें लैग प्रवस्था लंबी होती है। एंटीबॉडी का उत्पादन कम
कम मात्रा में किया जाता है तथा ये अल्पकाल हेतु क्रियाशील होती है। दूसरी है द्वितीय प्रतिक्रिया और सेकेंडरी रेस्पॉन्स। यह तीव्र शक्तिशाली व लंबी अवधि की होती है। इसमें लैग प्रवस्था छोटी अथवा अनुपस्थित होती है। एंटीबॉडीज अधिक संख्या में बनती हैं एवं लंबे समय तक क्रियाशील बनी रहती हैं। प्राथमिक प्रतिक्रिया और प्राइमरी रेस्पॉन्स के फलस्वरूप बनी एंटीबॉडीज में मुख्यतः IgM तथा द्वितीयक प्रतिक्रिया में IgG होती है। लैग प्रवस्था की अवधि में एंटीबॉडी की उपस्थिति एंटीजन की प्रकृति पर निर्भर करती है। डिफ्थीरिया आवेश के प्रवेश कराने पर लैग अवस्था 2 या 3 सप्ताह की होती है, जबकि न्यूमोकॉक्स में यह कुछ घंटों की होती है। यही कारण है कि रोगों से बचाव हेतु एंटीजन की 1 से अधिक खुराक दी जाती है, जैसे पोलियो से बचाव हेतु पहली हल्की खुराक जिसे प्राथमिक मात्रा और प्रीमिजिंग डोज कहते हैं, फिर द्वितीय व तृतीय मात्रा जिसे बूस्टर मात्रा और बूस्टर डोज जीवित टीके की दी जाती है, लिविंग वैक्सीन की दी जाती है। ऐसे प्राणी जिनकी देह में विशिष्ट एंटीबॉडीज रक्त में पहले से विचरण कर रही हो में एंटीजन को प्रवेश कराया जाए तो अस्थायी रूप से विचरणशील एंटीबॉडीज की मात्रा में कमी हो जाती है। ऐसा एंटीजन एंटीबॉडी के संयोजन के कारण होता है। इसे ऋणात्मक अवस्था और नेगेटिव फेज कहते हैं। इसके तुरंत बाद वापस एंटीबॉडीज की संख्या में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट इज एंटीजन का भविष्य, फेट ऑफ एंटीजन। एंटीजन का प्राणी की देह में क्या भविष्य होता है, यह एंटीजन की भौतिक व रासायनिक प्रकृति, मात्रा, प्रवेश करने का माध्यम तथा एंटीजेनिक उद्दीपन की प्रकृति अर्थात प्राथमिक है या द्वितीयक पर निर्भर करता है। देह में एंटीजन को यदि सीधे रक्त में प्रवेश कराते हैं तो प्लीहा, यकृत, अस्थि मज्जा, वृक्का व फेफड़ों में जाकर रुक जाता है। यह रेटिकुलेनो एंडोथेलियल कोशिकाओं द्वारा विघटित होता है व मूत्र द्वारा देह से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। इस प्रकार 70-80% मात्रा प्रतिजन की 1-2 दिन में देह से बाहर निकाल दी जाती है। ऐसे एंटीजन को उपत्वकीय विधि से प्रवेश करते हैं, लसिका ग्रंथियों में प्लीहा में लिए जाते हैं, कणकीय एंटीजन भक्षाणु कोशिकाओं और फेगोसाइट्स द्वारा निकल लिए जाते हैं। विशिष्ट एंटीबॉडीज के बाद वास्तविक प्रतिरक्षक की क्रिया का कार्य प्रारंभ होता है। इसके दौरान एंटीजन एंटीबॉडी जटिल बनाते हैं एवं तीव्र गति से भक्षाणु नाशन की क्रिया जारी रहती है। अतः शीघ्र ही एंटीजन विचरणशील माध्यम से अदृश्य हो जाता है। विलयशील एंटीजन 3 प्रवस्थाओं, संतुलन, उपापचय व एंटीजन निष्कासन से गुजरता है। संतुलन प्रवस्था में यह अंतरांगों में विसरित होता है। उपापचय प्रवस्था में अपचय के कारण इसकी मात्रा में कमी होती है। अंतिम अवस्था में एंटीजन एंटीबॉडी जटिल बनाकर इसका निष्कासन किया जाता है। इन जटिलों में कभी कभी ऊतकों में प्रतिरक्षी जटिल रोग उत्पन्न हो जाते हैं। एंटीजन के देह से निष्कासन की गति इसके अपचय द्वारा प्रभावित होती है। प्रोटीन प्रकृति के एंटीजन कुछ दिनों या सप्ताह में सामान्यतः निष्कासित कर दिए जाते हैं,
जबकि पॉलीसेक्राइड प्रकृति के एंटीजन की उपापचय की क्रिया धीमी गति से होती है। इसमें महीनों या वर्षों लग जाते हैं। न्यूमोकॉक्स पॉलीसेक्राइड मनुष्य में 20 वर्ष तक बना रह सकता है। एंटीजन का भक्षणशील लिम्फोसाइट्स द्वारा क्रिया किया जाना दो प्रकार से संपन्न होता है। प्रथम तौर पर मैक्रोफेज व डेंड्रिक कोशिकाएं लसिका पर्वों में इनका सामना करती हैं। दूसरे दौर में एंटीजन का मैक्रोफेज संसाधन प्रोसेसिंग करते हैं, जो एंटीबॉडी निर्माण हेतु आवश्यक होता है। यह क्रिया प्राथमिक प्रतिक्रिया और प्राइमरी रेस्पॉन्स हेतु आवश्यक होती है। द्वितीयक प्रतिक्रिया के लिए इसका किया जाना जरूरी नहीं होता। डेंड्रिक कोशिकाएं पूर्व में उपस्थित एंटीबॉडीज की उपस्थिति में ही एंटीजन का बंधन बनाती हैं। मैक्रोफेज व डेंड्रिक कोशिका एंटीजन से बंधन बनाकर कोशिका के सतह पर ले आती हैं, जहां लिम्फोसाइट्स अधिक मात्रा में गुजरते हुए इनका पहचान कर प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को प्रारंभ करते हैं। थैंक यू।